दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। गुरदासपुर जिले के दीनानगर इलाके में आतंकी घटना के बाद महानगर में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर युरेंद्र सिंह हेयर तथा डीसीपी राजेंद्र सिंह ने महानगर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। युरेंद्र सिंह हेयर ने तमाम पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे दिन और रात महानगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दें। वहीं हाई अलर्ट को देखते हुए पुलिस कमिश्नर युरेंद्र सिंह और डीसीपी राजेंद्र सिंह ने खुद रात्रिकालीन नाकों की जांच की व उन्हें सुरक्षा के निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे और शहर के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना उनका प्राथमिक कर्तव्य है। वह शहर में आतंकी व अपराधी तत्वों को सिर नहीं उठाने दिया जाएगा। जलंधर कमिश्नरेट के विच सारे ऑफिसर्स नो ते बाकी पुलिस मुलाजम्स नो लाजमा नो सारे नो हिदायत की गई है। पहला भी वो जो चैकिंग करते हैं वो सारा ध्यान रखते हैं, होर भी सतर्क होके बहुत अच्छे ढंग नाल सारे पहलुओं नू मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपरली सारे जेडे पुलिस के प्रबंध ने वो करके रखन। खास तौर पर 15 अगस्त आ रहा और चैकिंग आ जी सुपरविजन आ जी वो बिल्कुल इस ढंग नाल की जाए कि कोई भी जिहड़ा शरारती अंसर आ माड़ा अंसर आ वो किसी तरह का भी कोई गलत काम करन दे विच कामयाब ना हो सके। हाँ जो कमिश्नर साहब ते डीसीपी साहब उन्होंने हुण नाइट चैकिंग दे विच साडा चुनमन माल दा नाका चैक किया हैगा। तो जिहड़ा सवेरे इंसीडेंट होया हैगा वा दीनानगर दे विच रिगार्डिंग उस संबंध विच हैगा कि सिक्योरिटी शहर दी खास करके रात दे टाइम दे उत्ते और सवेर दे टाइम दे उत्ते कि जिहड़ी जलंधर शहर दी जनता हैगी आ वो बिल्कुल अपने अमन अमान दे नाल जीवे, उन्होंने किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। इस करके नाइट चैकिंग प्रॉपरली जी असी चैक कर रहे हैं, नाइट के गड्डियां वगैरह चैक करते हैं, प्लस जोड़े भी माड़े अंसर है उन्होंने अभी काबू करने की कोशिश करें।